अच्छा काम करके चले, देखिए क्या सुख मिलता है। माता लोग गाती है कि अपन भैया रहतिए आ डोली लागल जैतिए, आइतियोत पीतियोत भैया लागै छे बटोहिए ने रे कदम जोड़ी। बड़ी मार्मिक सब है, आपन भैया रहतिए आ डोली लागल जैति। अपना भैया क्या चीज है? अपना भैया यही भक्ति भजन। हम जो भक्ति करेंगे, हम जो भजन करेंगे, हम जो गुरु का सेवा करेंगे, संत को भोजन करेंगे, भूखों को थोड़ा सा दान दे देंगे, अपाहिजों को दान दे देंगे, यही हमारे साथ जाएगा। और चीज नहीं, कहाँ तक? शमशान तक हर एक चीज आदमी कराता है। ये तो दैनिक बात हम लोग देखते ही रहते हैं। ये ज्ञान आदमी को मिलता है, ये ज्ञान जब आदमी को मिल जाता है तो सारा कुकर्म आदमी, जब ज्ञान होगा तब कुकर्म छोड़ना शुरू कर देता है वो आदमी को। अंत में ज्ञान हुआ कल के, रे बाबू हम तो बहुत लड़ाई झगड़ा लगा इस समाज में, किस किस को यहाँ लड़ा दिए, किसका जमीन बेवानी करवा दिए, इसका कोई ठिकाना नहीं। बेटा ये मुसीबत ने झगड़ा लगाया है, हम जब चले जाएंगे ना शरीर से, जब प्राण निकालेगा और शमशान ले जाने लगना बेटा, तो हमारे मुंह में किला बना करके ठोक देना, जिससे ज्ञान होगा समाज के लोगों की वहीं से झगड़ा लगे के, झगड़ा लगे के, बहुत के बिगाड़ लग गई। इसलिए ऐसा काम नहीं करना चाहिए, समाज के लोगों को शिक्षा मिलेगा बेटा, ऐसा अवश्य कर देना। ठीक है, अचानक मौत हो गई, आ गई उसका, मर गया वो आदमी, गांव के मरण दीवान आने लगे, प्रक्रिया शुरू हुआ। बेटा कहते हो काका हमरा कहने रे पिताजी की रे बाबू शमशान जब ले जा लगे ने तो हमरा एक मुंह में एक किला बना कर ठोक दिया बेटा, बड़ा हम झगड़ा लग लिए, समाज के लोग के ज्ञान हेतु। कल के मरिए में की बात है रे, चल ने ले जा लगे किला बना कर ठोक दो, वही किया किला बना के मुंह में दे दिया। आ जब किला बना के दे दिया, उधर से पुलिस की गाड़ी आ रही थी, अरे तुम लोग मार दिया इसको, पकड़ लिया उसके लड़का लोगों को। विचार कीजिएगा, मरने के बाद भी झगड़ा लगाने का काम किया वो आदमी, और जिंदा में तो झगड़ा लगाता था। ये कहानी नहीं, ज्ञान प्रद बात है। आदमी को समझना चाहिए कि कोई भी बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, अच्छा कर्म करके आदमी को जाना चाहिए। इसका मतलब, इसी का मतलब है सद्गुण संपन्न हो करके जाना। हर एक आदमी को इस संसार से एक न एक दिन जाना पड़ेगा सज्जनों। इसलिए विचार कर ले हमको करना क्या है, सत्संग भजन में लग जाए, बड़ी आनंद मिलेगा, बहुत आदमी को सुख मिलेगा। ये सदगुरु कबीर ने जो कहा, आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीरा एक सिंहासन चढ़ी चले, एक बंधे जात जंजीर। ऐसा काम आदमी को नहीं करना चाहिए। ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये ज्ञान मिलेगा सत्संग में, और कहीं नहीं मिलेगा। मोबाइल देखते समय ज्ञान नहीं मिलेगा, मोबाइल में तो आजकल देखते नहीं, मिलेगा वहां भी ज्ञान, लेकिन संत गुरुजन का लोग सुनना नहीं चाहते। बड़ी ज्ञान प्रद, बड़ी अच्छा चीज है मोबाइल, मोबाइल काम का चीज है, लेकिन अभी मोबाइल का दुरुपयोग हो रहा है। खाली खराब चीज देखेंगे, गाना तो फिल्मी, क्या क्या देखता है इसका कोई ठिकाना नहीं है। मोबाइल बड़ा अच्छा चीज, उसमें भी तो सुनिए संत गुरुजन के वचन को, तो सुनिए अपने जीवन में थोड़ा धारण करके देखिए क्या लाभ मिलता है। बहुत आदमी को लाभ मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा। कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा सत्संग में। इसलिए कहते हैं सत्संग में मिलते हैं हीरे पर मिलते हैं धीरे धीरे। सत्संग में आदमी को हीरा मिलता है, कौन हीरा मिलता है? यही संतोष रूपी हीरा, यही विवेक मिलता है, विवेक आदमी को, ज्ञान मिलता है जिससे आदमी बन जाता है, बिगड़ा हुआ आदमी बनता है। कहाँ ये बनेगा? सत्संग में। बिगड़ल को पीमल बना इहो साधु बाबा, बिगड़ल को बिमल बनाई। संत बिगड़े हुए आदमी को बिमल बनाता है। कोई नहीं आपको बिमल बनाएगा, न गांव के कोई आदमी बनाएगा, न थाना पुलिस बनाएगा, लेकिन संत बिगड़े भी आदमी को बिमल बना देता है। जो आदमी बनना चाहता है, जो बनना नहीं चाहेगा, इसलिए बनना चाहिए। कहते हैं पहले जन्म, सद्गुरु कबीर ने कहा कि पहले जन्म पुत्र का भय हो,
बाप जन्म या पाछे आ बाप पुत्र की एक के नारी ई अचरण कोई काचे कते पहले जन्म पुत्र का भय बाप जन्म या पाछे पहले आदमी को अच्छा बेटा बनना चाहिए। किसी के घर में लड़का का जन्म होता है कोई कहते कि बाप का जन्म हुआ है? हरेक आदमी कहते हैं कि बेटा का जन्म हुआ है बेटा, वही बेटा ने अंत में बाप बनता है। इसे सुधारना चाहिए, जीवन का कल्याण करना चाहिए, जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये ज्ञान आपको सत्संग में मिलेगा। किसके द्वारा मिलेगा? साधु के द्वारा मिलेगा, क्योंकि साधु का जीवन संतों का जीवन जगा हुआ होता है। जिस आदमी का जीवन जगा हुआ होता है वो जगाने का काम करता है। आज आदमी जगा हुआ नहीं है क्या जगाएगा? घर में आग लग गई, जो आदमी घर में सोया हुआ है क्या जगाएगा आदमी को? जगाएगा नहीं जगाएगा। जगा हुआ आदमी जगाने का काम करते हैं। जगे हुए थे सदगुरु कवि, जगे हुए थे बुद्ध, जगे हुए थे महावीर, जगे हुए थे दादू नानक पलटी तुलसी, जगे हुए थे, उन्होंने जगाने का काम किया। संत गुरुजन जो है जगाने का काम करते हैं। ये बिना पैसे का चौकीदार कोई दरमा है इसको? संत गुरुजन का कोई दरमा है? लेकिन आज संत गुरुजन को देख करके ही कुछ आदमी को मिर्गी उठता है। विचार कीजिए, कल्याण नहीं होगा उसका? अंतर होता है जिस आदमी के यहाँ, जिस परिवार में आपको बराबर संत गुरुजन का पदार्पण होता है, आप देखिएगा उसके बाल बच्चा का शिष्टाचार कुछ अलग ढंग का निश्चित रहेगा। इसमें दो मत नहीं है। ये ज्ञान कहाँ मिलेगा? ये ज्ञान मिलेगा सत्संग में। किसके द्वारा? संतों के द्वारा मिलेगा। संसंग में जब जाइएगा आदमी को भरम होता है ना, अंधविश्वास आदमी को है, कहाँ छूटेगा? सत्संग में छूटेगा। जब